खरगोन जिला मुख्यालय में मोबाइल दुकान के मालिक ने मोबाइल चोर को मोबाइल के साथ पकड़ लिया। दुकानदार ने बताया कि आरोपी बीते दिनों दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया था और मोबाइल चुरा कर ले गया। जब हमें शक हुआ था तो हमने मोबाइल का IMEI नंबर सभी दोस्तों और मोबाइल दुकानदारों को भेज दिया ताकि अगर यह चोर मोबाइल बेचने आए तो उसे पकड़ा जा सके, और ऐसा ही हुआ। आज जब वह मोबाइल बेचने के लिए राधा वल्लभ मार्केट में घुस रहा था तब इस मोबाइल के IMEI नंबर चेक किया तो वही नंबर चोरी हुए मोबाइल का भी था, जिस पर मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस कोतवाली लाया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये घटना 24 तारीख की है कि लड़का हमारी दुकान मोबाइल सुधरवाने के लिए आया था, तो ये जब मोबाइल सुधरवा के गया उसके बाद हमने देखा हमारी दुकान से मोबाइल चोरी हो गया है, तो हम इस लड़के पर डाउट था लेकिन हमारे पास थोड़ी पूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने इसके IMEI नंबर जो होते हैं मोबाइल के वो सारे दोस्तों को व्हाट्सअप कर दिए थे, प्लस जो हमारे दुकानदार होते हैं उनको भी हमने इसी घटना की जानकारी दे दी थी। उसके बाद मैं जब आज राधा वल्लभ में बैठा था तो लड़का मुँह पे रुमाल बांध के मोबाइल को बेचने के लिए आया था, तो जब दुकान वालों को इसने बोला कि मुझे मोबाइल बेचना है तो दुकानदार ने खरीदने से मना कर दिया कि इसका बिल नहीं है, तो मुझे इस पर डाउट गया। तो जैसे डाउट गया मैंने इसके मोबाइल के IMEI नंबर मेरे IMEI नंबर से मिलाया तो मैच हो गया, तो मैंने इसको शंका के आधार पर इसको वहीं बिठा लिया। मेरे जो भैया बैठते हैं उनको बुला के सारी IMEI नंबर की जानकारी निकाली तो वो सेम मैच हो गई सारी जानकारी। आज जो है एक राधा वल्लभ मार्केट में कंपनी का मोबाइल शॉप है, वहाँ पर एक लड़का जो है मोबाइल बेचने गया था, नया बिल्कुल फ्रेश था वो, और उससे जब बिल मांगा गया तो उसके असर पर बिल नहीं था, उन लोगों को शंका हुई तो उस आधार पर उन्हें पकड़ा, पता चला कि सर चोरी का मोबाइल है, उसी आधार पर वो पकड़ के लाए हैं। ठीक है, उस लड़के से पूछताछ की हमने, अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उसको जो मोबाइल जिसने जो लेके आए उसके साथ में उसे मामला दर्ज करके जो योजना में दिया जाएगा। उस लड़के से पूछताछ की है, वो डाबरी का रहने वाला है, डाबरी का जो है